साउथ वेस्ट दिल्ली के मोतीबाग इलाके में स्थित सत्यनिकेतन की 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हालांकि इस हादसे में अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है 5 लोग मजदूर दबे हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर 3 JCB, NDRF की टीम और राहत बचाव कर्मी जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने की खबर है। दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग के पास एक मकान उस वक्त गिर गया जब उसके रेनोवेशन का काम चल रहा था, तभी 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये इमारत गिरी उस वक्त 5 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल विभाग ने बताया कि जो बिल्डिंग गिरी है वह 3 मंजिला है और उसके रेनोवेशन का काम चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें मौके पर मौजूद है और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। दिल्ली फायर सर्विस को करीब 1:30 बजे इस घटना की सूचना मिली। कब की घटना हुई थी जरा भैया? आज अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ सूचना मिली कि कोई बिल्डिंग का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर गिर गया, कोई रेनोवेशन का काम हो रहा था तो उसमें 3-4 शायद जो मजदूर हैं वो शायद दबे हुए हैं। अभी पूरा MCD डिपार्टमेंट और हमारे यहाँ के जो फायर डिपार्टमेंट के और दिल्ली पुलिस के सभी सब लगे हुए हैं कि उनको बचाया जाए। अभी तक उनकी आवाज़ आ रही है, उनको पानी भी नीचे वो करा है, लेकिन अभी एक ही उद्देश्य है कि उन जो नीचे दबे हुए हैं पहले उनको बचाया जाए क्योंकि अभी उनकी आवाज़ आ रही है। कब से काम चल रहा था यहाँ पर, किन की ये तो मुझे एक्यूरेट नहीं पता, पर अभी सूचना मिलते ही हम सब लोग आए हैं और हमारे MCD का भी सारा डिपार्टमेंट यहाँ लगा हुआ है और बस अभी तो एक ही उद्देश्य है कि पहले जो जान की कोई नुकसान ना हो और जो भी मजदूर इसमें लगे हुए थे तो उनका बचाया जाए, ये पहला उद्देश्य। ये बिल्डिंग काफ़ी जर्जर बताई जा रही है, 3 मंजिला ये बिल्डिंग है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई? नहीं, मैंने अभी जैसे अभी पीछे MCD ने इस पर नोटिस भी लगाया था 1 हफ्ते 15 दिन पहले, ऐसा मेरे को अभी बताया वहाँ पर उन्होंने। तो जर्जर तो जैसे रही होगी बिल्डिंग जैसे गिरी है, नीचे का फ्लोर तो बिल्कुल सही है, ग्राउंड फ्लोर, तो इससे लगता है कि कोई जो भी परिवार कोई नहीं रह रहा था, जो भी जो रेनोवेशन कर रहे थे या क्या कर रहे थे वो मजदूरी बता रहे हैं इसके नीचे। कौन सी जगह है पर है, किस जगह पर है, जगह बता, जगह कौन सी है? ये सत्य निकेतन है, 173 नंबर मकान है जो कहेंगे नीचे करेंगे यार, माइक यार। कितने लोग मरे? दिल्ली फायर सर्विस को 1:24 पर कॉल मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है सदनी जैदन में, अकॉर्डिंगली यहाँ गाड़ी भेजी गई थी एंड ये इतला मिली थी कि 6 लोग इसमें फंसे हुए हैं। एक हमारे आने से पहले निकल गया था, 5 लोगों को दिल्ली फायर सर्विस ने एंड साथ में NDRF की टीम के साथ हम लोगों ने निकाला है। अभी लोग ये बता रहे हैं कि शायद एक कैजुअलिटी और हो सकती है, उसके लिए हम इसको थोरोली चेक कर रहे हैं। जिन 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है क्या उसमें भी कोई डेथ आप लोगों को रिपोर्ट हुई है? देखिए, हम लोगों ने सही सलामत यहाँ से निकाल के हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है, बाकी कुछ तो आपको वहीं से। कितनी स्टोरी सर इमारत की, क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या पता लगा? ग्राउंड फ्लोर 3-स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था एंड प्लस करके इसमें लेबर खाना खाने की जरूरत है। अभी जैसे जो क्लियर बताया गया था 6 कैजुअल्टी हैं वो तो निकल चुके हैं, लेकिन बीच में कितना बोला कि शायद एक कोई लोकल और हो सकता है, तो उसके लिए अभी हम चेक कर रहे हैं। दुआ साहब, फायर की गाड़ी कितने आई यहाँ पर, कौन कौन टीम थी यहाँ पर रेस्क्यू के समय? हम लोग 6 गाड़ी फायर की आई हुई है, साथ में हमने एडिशनल मैन पावर भी मंगवाई थी एंड दिल्ली फायर सर्विस के साथ NDRF की टीम है, दिल्ली पुलिस है, गैट्स एम्बुलेंस है, MCD की टीम है, टीमें सारी लगी हुई हैं और मोबाइल डी मूवमेंट ऐसा चल रहा है। हम लोग जितने भी हैं सबका वोट यही है कि मारियों को सही सलामत मिला। क्या कि इसमें कोई डेथ भी हुए हैं, कोई रेस्क्यू में कोई डेथ भी हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी जो है कैजुअलिटी सही ढंग से निकाले गए हैं, उनको हॉस्पिटल में पता चलेगा कि किसका क्या है। ठीक है, थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।